डेहरी से बिजली कर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। डेहरी शहरी विद्युत प्रशाखा के जेई ने बताया कि डेहरी इलाके के जयहिंद सिनेमा रोड स्थित स्टील कॉर्नर नाम की दुकान में विद्युत कर्मी स्मार्ट मीटर लगाने गए थे। इसी दौरान जब मीटर बदलने के लिए बिजली बिल की मांग की गई तो उन्होंने बताया कि पहले से ही दुकान का लाइन डिस्कनेक्ट है, जिसके बाद दुकानदार नुरैन अंसारी स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करने लगा और विद्युत कर्मी के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की करने लगा। सूचना मिलने के बाद डिहरी नगर थाना पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। पाली रोड में थाना मोड़ से आगे प्रसाधन के सामने ईवीएफ कंपनी के कर्मी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने के क्रम में मोहम्मद नुरैन अंसारी के दुकान पर गए। उनके द्वारा उनका मीटर बदलने के लिए बिजली बिल उनसे मांगा गया, ईवीएफ के कर्मियों ने मांगा। कर्मियों को उनके द्वारा अभद्र भाषा का व्यवहार किया गया और अभद्र भाषा व्यवहार करने के बाद कर्मियों द्वारा मुझे फ़ोन किया गया। मैं वहां स्थल पर गया, उनसे पूछा कि आपके परिसर में बिजली जल रहा है, इसका बिजली बिल आपको उपलब्ध कराएंगे, कहीं कि मेरा लाइन कटा हुआ और इनके परिसर में पंखा चल रहा था, बल्ब जल रहा था। हमने पूछा कि जब लाइन कटा हुआ है तो आपके परिसर में पंखा और बिजली कैसे उपयोग हो रहा है, तो बताया कि हम घर से इन्वर्टर चार्ज करके लाइन, जबकि जिस परिसर में विद्युत विच्छेदित है उस परिसर में इन्वर्टर वगैरह से बिजली उपयोग करके व्यापार नहीं करना है, यह इलेक्ट्रिसिटी रूल के अगेंस्ट है। और इनके द्वारा जब मैंने बातचीत करना शुरू किया तो मेरे साथ भी अभद्र व्यवहार किए और कहीं कि तुम मुंगेर के पूरब सराय ओपी क्षेत्र अंतर्गत दिलावरपुर में जमीन कब्जे को लेकर गोलीबारी और पत्थरबाजी की घटना हुई है, जहां पीड़ित ने स्थानीय थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला सजदा खातून ने डिप्टी मेयर खालिद हुसैन और तीन भाई के ऊपर घर पर पथराव और गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। और तो और महिला ने बाल पकड़कर खींचने और मारपीट का भी आरोप लगाया है। आपके घर मेरे आज मेरे घर में सुबह से उठे बाबू काम धंधा कर रहे थे माँ बेटी मिल करके, उसके बाद में देखते हैं कि शाहिद मियाँ उधर से आया अपने घर के तरफ से एकदम गोली बांधे हुआ ऐसे करके फीता वाला, और बेटा सब को मार गाली बक बक के मार गोली मार ईटा पत्थर गोली चलाना शुरू अंतहा कर दिया। तब हम लोग पुलिस का सहारा लिए, ना मेरे पास कोई जेंस है ना और कुछ है, और जबकि मेरे घर में घुसा हुआ है, अब बनाया जा रहा है घर को, बनाया जा रहा है घर को। सर देखिए, ये सब सरासर झूठ बात है और ये सब फंसाने की साजिश हो रही है मेरे साथ, ठीक है। जो भी सारे लोग चुनाव के दरमियान में विरोधी बने हैं वो लोग सह दे रहे हैं, वो लोग उनको पुश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इसका छवि को ख़राब किया जाए शहर में। और देखिए, हम एक पद पर हैं जो ऐसे पद पर हैं जो हम खुद लोगों से अपील करते रहते हैं शांति अमन चैन, तो अब मेरा कुछ करने का ऐसा कुछ बात ही नहीं होता है। यदि कोई बोलता है कि वीडियो फोटो शायद वायरल जो भी हुआ हो रहा है तो उसमें मेरा एक फ़ोटो या एक छोटा सा वीडियो में एक छोटा सा क्लिप भी मुझे दिखा दे तो मैं मानने को तैयार हूँ कि मैं ये सब चीज़ कर रहा हूँ। और वो जहाँ तक वो ज़मीन की बात है, वो ज़मीन मेरे पापा ने अपने फ्रेंड से लिया, वो लोग हमेशा इस तरह से तीन चार महिला है जिसमें वो लोग का काम ही है 420 करना और दूसरे को फंसाना और फंसा कर ब्लैकमेल करके उससे कुछ पैसा।